हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं। आज एक ऑटोकैड की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। खोए भी क्यों ना, क्योंकि इस ट्रिक को यूज़ करने से आपकी स्पीड जो बढ़ने वाली है। ट्रिक क्या है वो बता देता हूँ पहले। तो अभी आप देखो, यहाँ पे जो डायमेंशंस अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, आप देखेंगे लेयर जीरो है और आपका बाई लेयर भी वाइट कलर है। बट अगर मैं कोई भी डायमेंशन डालता हूँ, जैसे लीनियर डायमेंशन अगर मैं डालता हूँ, तो आप देखेंगे एक स्पेसिफिक लेयर के अंदर वो आपके डायमेंशन यहाँ पे आ रही है। ये कुछ ऐसी सेटिंग है जिसके करके आप ये चीज़ अपने पीसी में भी कर सकते हैं कि जब भी मैं डायमेंशन लूँ तो एक पर्टिकुलर आपकी लेयर के अंदर ही आए। तो इस ट्रिक को करना कैसे वो मैं बताता हूँ। तो अगर आप लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखोगे डायमेंशन की एक लेयर है, तो बाय डिफॉल्ट वो डायमेंशंस की लेयर में ही आ रही है। अगर आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे डायमेंशन लेयर में ही आपका ये आ रहा है। तो अगर मान लो मैं लेयर प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, मैं अपना कोई एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ DIM। तो मैंने डिम के नाम से नाम रखा और इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन कलर। अब मान लो मैं चाहता हूं कि ग्रीन कलर की मेरी डायमेंशंस आए और यही डायमेंशन डायमेंशन वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आप प्रेस करें DIM एंटर, एंड यहां पे आप देखेंगे लेयर का एक ऑप्शन होगा, क्लिक करें और यहां पे आप लेयर का नाम डाल दें जिस लेयर पे आप उस चीज को असाइन करना चाहते हो। तो आप डाल दो DIM एंड प्रेस कर दो एंटर। तो अब आप देखोगे यहां पे कि अगर आप यहां पे लीनियर डायमेंशन पे चलते हो, अब अगर आप कोई भी डायमेंशन यहाँ पे लोगे तो वो उसी पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर आएगी, उसी पर्टिकुलर लेयर के अंदर आएगी। क्लियर है? तो विदाउट एनी मतलब, अगर बाद में अगर आप करना कि क्लिक करके फिर हम डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, तो वो करने की बजाय आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब भी आप डायमेंशन लोगे वो पर्टिकुलर एक अलग से लेयर में आएगी। आपको बार बार असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत प्रॉब्लम होती है कि बाद में साइन करो फिर उस चीज को बनाओ। तो जब भी आप लेयर लोगे और जब भी आप डायमेंशन यूज करोगे, डायरेक्टली आपका सेम लेयर में आ जाएगी। और इसके साथ साथ एक ट्रिक और यूज कर सकते हो कि अगर आप DIM एंटर करते हो, तो ये DIM एंटर आपकी हर एक चीज कर सकता है कि ये लीनियर डायमेंशन भी आपका ले सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका अगर मैं दिखाऊं आपको, रेडियस भी ले सकता है, डायमीटर भी ले सकता है, ये एंगुलर डायमेंशन भी ले सकता है, ये अलाइन डायमेंशन भी ले सकता है, ये आर्क लेंथ है, रेडियस भी आपका प्रोवाइड कर सकता है जो DIM एंटर है। इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हो। बार बार लीनियर या अलाइन लेने से बेटर आप ये भी यूज कर सकते हो ताकि आपकी स्पीड ऑटोकैड पे और बढ़ जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।